खुशी बुटीक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए लेटेस्ट डिजाइन के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैं शर्मिला फगेड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक। आज मैं आपके लिए एक और यूजफुल वीडियो लेके आई हूँ। आज की वीडियो में आपको इस सलवार की स्टिचिंग बताने वाली हूँ। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में इसकी कटिंग बताई थी, और आज मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताऊंगी। तो इसकी स्टिचिंग बताने के लिए मैं सबसे पहले हम कली ज्वाइंट करते हैं। तो कली ज्वाइंट करने के लिए मैंने ये छोटी सलवार का डेमो लिया है। इसमें मैंने कली कटिंग की है और इसमें मैंने पार्ट कटिंग किए हैं और बेल्ट कटिंग किया है। तो कली जोड़ने का आइडिया मैं आपको छोटी सलवार पे बताने वाली हूँ, क्योंकि अगर मैं बड़ी सलवार पे आपको कली जोड़ने का आइडिया बताऊँगी तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि ये कपड़ा फिसलने वाला है। तो इसलिए मैं आपको कली जोड़ना इस सलवार पे बता देती हूँ, और बाकी की स्टिचिंग मैं आपको इस सलवार पे ही बताऊँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। तो चलिए स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको कली जोड़ना बता देती हूँ इस छोटी सलवार पे। इसमें चार कलियाँ कटिंग होती है सलवार में। तो सबसे पहले हमें इसका आसन जोड़ना है। आसन हमें किस तरीके से जोड़ना है ये मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये कपड़े की सीधी साइड है और ये बाहर की सीधी साइड है, और जो ये कपड़े की अंदर की साइड है यहाँ से, तो ये उल्टी साइड है। सीधी साइड से हम सिलाई लगाएंगे थोड़ी सी एक पैर की। सबसे पहले हम आसन के ऊपर एक पैर की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से दूसरी कलियों के आसन पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, मैंने आसन पे सीधी साइड सिलाई लगा ली है। अब हम इसको इस तरह से कपड़े को मोड़ेंगे और यहाँ पे हम आधा इंच की सिलाई लगाएंगे। सेम इसी तरीके से हम दूसरे आसन के ऊपर सिलाई भी लगा लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने गुम सिलाई लगा दी है। यहाँ पे इस साइड धागे नहीं निकलेंगे और ये सलवार की सीधी साइड हो गई। तो इस तरीके से हमें आसन जोड़ना है। आसन जोड़ने के बाद हमें कलियों को इस तरीके से रखना है। यहाँ पे आसन है, यहाँ पे कली की लंबाई है। अब हमें एक पार्ट लेना है। तो यहाँ पे हम पार्ट को रखेंगे। इस साइड सीधी साइड होनी चाहिए कपड़े की, और ये ऊपर और नीचे उल्टी साइड होने चाहिए। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि सिलाई कहाँ से स्टार्ट करनी है। सिलाई हमें नीचे से स्टार्ट करनी है। यहाँ नीचे की साइड से सिलाई स्टार्ट करनी है। इसको हम ऐसे रखेंगे और यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमें आधा इंच की सिलाई लगानी है। देखिए, यहाँ पे मैंने इस तरीके से ये पार्ट जोड़ दिए हैं। ये कपड़े की सीधी साइड है, यहाँ पे सिलाई इस तरह से होनी चाहिए, और ये उल्टी साइड है तो ये अंदर की साइड होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ से हम कपड़े को निकाल लेंगे। यहाँ पे हम दूसरी कलियों को रखेंगे। दूसरी साइड की कली ले लेनी है इस तरह की। अब हमें इस तरह से रखना है पार्ट के ऊपर। यहाँ पे सिलाई नीचे से स्टार्ट करनी है, ऊपर से नहीं। तो हम यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम इस तरह से कपड़े को पकड़ेंगे। अब देखिए, हमने यहाँ से जोड़ दिया है। इस कली को भी मैंने यहाँ से जोड़ दिया है। पार्ट के दोनों साइड कलियाँ जुड़ गई है। यहाँ पे ये कली हो गई। यहाँ पे हम दूसरा पार्ट ज्वाइंट करेंगे। इस पार्ट को भी हम उल्टी सीधी साइड चेक करके ही रखेंगे, क्योंकि बाहर की साइड उल्टी, नीचे की साइड उल्टी, और ये जो इस तरह से उठाएंगे तो यहाँ सीधी साइड होनी चाहिए। सिलाई नीचे से स्टार्ट करनी है, पोंचे की जगह से। ये सिलाई हमने कंप्लीट कर दी है।
अब मैं आपको पूरे पार्ट और कलियां दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ पे एक पार्ट हो गया, पार्ट दो होते हैं सलवार में और कलियां चार होती है। एक पार्ट हो गया, एक कली, दो कली, दूसरा पार्ट हो गया और दो कली यहाँ पे हो गई। तो ये चार कलियां हो गई हैं और ये दो पार्ट हो गए हैं। अब हमें सलवार को गोल करना है, तो इस तरीके से हम इसको गोल कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमें गोल करना है। इस साइड को उठाएंगे और इस साइड ऊपर रख लेंगे। यहाँ से हमें ज्वाइंट कर देना है। अब देखिए हमने सलवार को गोल कर लिया है। अब मैं आपको ये खुली करके दिखा देती हूँ। इस तरह से मैंने सलवार को गोल कर लिया है। यहाँ पे पोंचा बनेगा, यहाँ पे चुनट आएगी, यहाँ से सलवार का आसन हो गया और यहाँ से सलवार का दूसरा पोंचा बनेगा। यहाँ पे सलवार का दूसरा पोंचा बनेगा। तो इस तरीके से आपको सलवार में कली ज्वाइंट करनी है। आप अच्छे से देख लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप दोबारा से भी देख सकते हैं वीडियो को बैक करके। तो इस तरीके से आपको कली ज्वाइंट करनी है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि कली ज्वाइंट नीचे से क्यों करनी है। अगर हम ऊपर से सिलाई स्टार्ट करते हैं तो एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे की साइड आ जाएगा, तो इसलिए आपको जो एक्स्ट्रा कपड़ा आता है वो ऊपर की साइड निकालना है, नीचे की साइड नहीं, क्योंकि यहाँ पे पोंचा बनेगा वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा और फिर यहाँ से ये जो सिलाई है ये इकट्ठी नहीं आएगी। यहाँ से जो आसन होता है वो आगे पीछे हो जाएगा इस तरह से। तो इसलिए आपको यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है कली ज्वाइंट की, इस तरह से। यहाँ से आसन मिल जाएगा और यहाँ पे आप दोनों साइड पोंचा बना लीजिए, ऊपर की साइड आप चुनट डाल लीजिए। पहले मैं इस सलवार को ज्वाइंट कर लेती हूँ, इसमें कलियाँ जोड़ लेती हूँ और इसके बाद मैं आपको इसमें पोंचा बनाना और इसमें बेल्ट लगाना बता देती हूँ। तो देखिए मैंने इसी सेम तरीके से इस सलवार की कलियाँ भी ज्वाइंट कर ली है। यहाँ पे इसमें एक आसन पे मैंने सिलाई लगाई है और एक आसन इसका सिला हुआ था और दूसरी साइड का पार्ट ये रहा। अब हम यहाँ पे पोंचा बनाएंगे। यहाँ पे हम पोंचा बना लेंगे। तो मैं आपको पोंचा ज्वाइंट करना बता देती हूँ। पोंचा बनाने के लिए हमने ये 3.5 इंच की ये फोम ली है और ये मैंने कपड़ा लिया है 4.5 इंच का पोंचे के नीचे ज्वाइंट करने के लिए। तो सबसे पहले हम इस कपड़े को ज्वाइंट करेंगे। तो पहले हम इस कपड़े को ज्वाइंट कर लेते हैं पोंचे के ऊपर। यहाँ पे पोंचे से कपड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए, तो हमें यहाँ पे 2 या 2.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ देना है इस तरह से। दोनों साइड से हम कपड़े को एक्स्ट्रा छोड़ देंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमें यहाँ पे एक पैर की लगानी है। इस तरह से मैंने पोंचे के ऊपर कपड़े को जोड़ लिया है, दोनों साइड एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ दिया है, इसको हम कटिंग कर लेंगे। अब हम एक सिलाई इसके ऊपर लगा लेंगे। इस तरह से मैंने इस कपड़े को पोंचे के ऊपर जोड़ लिया है। अब हम सेम तरीके से दूसरे पोंचे के ऊपर कपड़ा जोड़ लेंगे। इस तरह से मैंने दोनों पोंचों के ऊपर कपड़े को जोड़ लिया है। अब मैं आपको फोम जोड़ना बता देती हूँ। ये फोम है 1 मीटर लंबाई की, इसको मैंने 3.5 इंच में कटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पे ऐसे जोड़ेंगे। यहाँ पे हमको ये ऐसे ज्वाइंट करना है, फोम यहाँ तक आ जानी चाहिए। ये किनारी अगर हम इस फोम को मोड़ेंगे तो यहाँ पे बाहर की साइड नहीं दिखनी चाहिए। तो इस तरह से हम फोम को जोड़ेंगे। यहाँ की ऊपर की साइड एक सिलाई लगा लेंगे, फोम को भी थोड़ा एक्स्ट्रा निकाल लेंगे इस तरह से। यहाँ पे आपको इस तरह से चेक करना है, ये सिलाई लगी हुई है तो इससे थोड़ा सा आगे फोम को निकाल लेना है और यहाँ पे सिलाई लगानी है। फिर आपको थोड़ा सा सेट करना है इस तरीके से।
इसको ऐसे सेट करना है और यहाँ पे उंगली रख के फिर से सिलाई लगा लेंगे। अब हम फॉर्म को यहाँ से इस तरह से कटिंग करेंगे वी शेप में। जैसे ये कपड़ा कटिंग किया हुआ है सेम इसी तरीके से हम फॉर्म को कटिंग कर लेंगे। अब देखिए हम फॉर्म को इस साइड से रखेंगे, इस कोने की साइड से, और इसके ऊपर दूसरा पोंचा रखेंगे ताकि ये जो वी शेप में कपड़ा कटा हुआ है सेम इसके ऊपर आ जाए। यहाँ पे हमें फिर से सिलाई लगानी है सेम तरीके से जैसे हमने पहले पोंचे में लगाई थी। यहाँ से सेट करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से फॉर्म को कटिंग कर देंगे। अब देखिए मैं आपको दूसरी सिलाई लगाना बता रही हूँ। इस साइड से रखेंगे कपड़े को और इस एक्स्ट्रा कपड़े को हम फोम के ऊपर मोड़ देंगे। ऐसे एक सिलाई हम यहाँ पे लगा लेंगे। अब देखिए मैंने इस तरीके से इस फोम के ऊपर कपड़े को मोड़ दिया है और इस तरीके से मैंने ये ज्वाइंट कर ली है। अब देखिए ये सलवार की सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है, तो इस फॉर्म को हम ऐसे मोड़ेंगे, इसको हम ऐसे मोड़ेंगे और ये जॉइंट जो है बाहर की साइड नहीं आना चाहिए। इस तरीके से मोड़ लेंगे और एक्स्ट्रा फॉर्म को कटिंग कर देंगे। यहाँ पे हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई हम किनारे पे लगा लेंगे। अब देखिए हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। यहाँ पे ये जो पोंचा है उल्टी साइड है तो यहाँ पे सिलाई आनी चाहिए, हमें ये सिलाई सीधी साइड से लगानी है। इस कपड़े को ऐसे नहीं होने देना है, अगर हम ऐसे करके सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पे झोल आएगा। इस कपड़े को हमें ऐसे सेट कर लेना है थोड़ा सा पीछे हटा के। अब हम यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। उंगली के इशारे से हमें यहाँ से चेक करना है कि कहाँ तक फॉर्म आती है। इस तरह से आप चेक करेंगे तो जहाँ पे फॉर्म आती है वहीं पे आपको सिलाई लगानी है। सिलाई हमारी फॉर्म के ऊपर आनी चाहिए ना कि कपड़े पे। अब हमें एक पैर की सिलाई यहाँ पे लगानी है। तो देखिए इस तरह से पोंचा बनता है। यहाँ पे एक पैर की सिलाई हो गई और एक यहाँ पे। इसमें आप लहरिया बना लीजिए और बीच में आप कोई भी डिजाइन बनाना चाहते हैं अपने हिसाब से बना लीजिए। तो इस तरीके से आप पोंचा बना लीजिए। इसमें मैं आपको डिजाइन रेडी करके दिखाती हूँ। कौन सा डिज़ाइन के वीडियो आपको देखने हैं तो एंड स्क्रीन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब मैं आपको इस सलवार में प्लेट डालना बता देती हूँ। ये बैक आसन है जिसमें हमने ज्वाइंट नहीं किया, यहाँ से हमने कटिंग नहीं किया तो यहाँ पे हमने कट लगा लिया है बैक आसन का। यहाँ पे हम पीछे की दो चुनट डालेंगे जो बेल्ट के पीछे की साइड होती है और यहाँ से हम इसमें निशान लगा लेंगे बराबर करके। यहाँ से हम निशान लगाएंगे अपने बेल्ट के हिसाब से। मैं इसमें 18 इंच पे निशान लगा लेती हूँ। आप अपने बेल्ट के हिसाब से लगा लीजिए क्योंकि मुझे इसमें बड़ा बेल्ट रेडी करना है 26 इंच का, तो मैं यहाँ पे 18 इंच का निशान लगा लेती हूँ बैक खाली रखने का कपड़ा। तो 26 इंच का बेल्ट रेडी करने के लिए हमें यहाँ पर इसमें 8 इंच हो जाता है और यहाँ पे 1.5 इंच की चुनट पड़ेगी तो 8.5 इंच में हमारी प्लेट आ जाएगी। तो ये हमारा 26 इंच का बेल्ट रेडी हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे कट लगा लिए हैं। तो हम चुनट डालना स्टार्ट करेंगे आगे के आसन से। सलवार का आगे की साइड का आसन है, यहाँ से हम प्लेट डालना स्टार्ट करेंगे। इसमें मैं आपको प्लेट डालना बता देती हूँ। हमें इसमें 9.5 इंच में प्लेट डालनी है। यहाँ पे आसन, यहाँ से हमें
सबसे पहले 2 इंच की प्लेट डालनी है। 2 इंच कपड़े की प्लेट यहाँ से हम उठाएंगे और यहाँ पे रख लेंगे। प्लेट सुई के नीचे दबने के बाद हम दूसरी प्लेट को यहाँ से उठाएंगे और इस प्लेट को हम यहाँ पे रखेंगे करीब आधा इंच की जगह पे। और फिर हम बड़ी प्लेट यहाँ से उठाएंगे। 2 प्लेट हमने छोटी लगा दी है यहाँ से। अब हम यहाँ से प्लेट उठाएंगे और यहाँ पे रख लेंगे। यहाँ का गैप बराबर होना चाहिए प्लेट का। अब हम यहाँ से प्लेट उठाएंगे। कई प्लेटें हम यहाँ से उठाएंगे जब तक ये पार्ट के बीच का हिस्सा नहीं आ जाता। प्लेट हमारी सुई के नीचे आ जानी चाहिए, तब हमें दूसरी प्लेट उठानी है। अब देखिए, ये कली और ये पार्ट का जॉइंट का हिस्सा आ गया है। यहाँ पे कली और पार्ट जॉइंट है। यहाँ पे हमें बड़ी प्लेट लगानी है जो पोंचे के बीच सेंटर में आती है। यहाँ से जब हम पोंचा सेट करते हैं, प्रेस करते हैं, तो इस सेंटर में आनी चाहिए ये वाली प्लेट। तो यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी प्लेट होगी और बाकी की प्लेट हमारी सेम रहेगी। एक प्लेट और डाल लेते हैं। अब देखिए, हमारा कट यहाँ पे आ गया है। पहले प्लेट हमने यहाँ से उठाई थी और ये प्लेट हमारी यहाँ से उठेगी, तो ये सब प्लेटों से थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। इस प्लेट के बाद में हम यहीं से प्लेट उठाएंगे जहाँ से हमने पहले उठाई थी। यहाँ से हमारा ये लास्ट प्लेट का कट आ गया है, तो यहाँ से हम प्लेट डाल देंगे। इस तरह से मैंने एक साइड की प्लेट डाल दी है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड की प्लेट भी डाल देंगे। दूसरी साइड की प्लेट डालने के लिए हमें इस तरह से कपड़े को रखना है मशीन के नीचे और यहाँ इसके नीचे लगा लेना है। सेम तरीके से हम प्लेट डालेंगे। पहले 2 प्लेट यहाँ से और फिर हम यहाँ से डालेंगे। और जो पार्ट के सेंटर की प्लेट होती है, उस प्लेट को हम थोड़ी सी बड़ी डाल देंगे। तो ये प्लेट मैं आपको रेडी करके दिखाती हूँ। तो देखिए, मैंने इस तरीके से इसमें दोनों साइड प्लेट लगा दी है। अब मैं आपको ये प्लेट चेक करवा देती हूँ। देखिए, दोनों साइड की प्लेट बराबर है। तो इस तरीके से आप भी अपने सलवार में प्लेट दोनों साइड से बराबर डालिएगा। और जो ये पोंचे के सेंटर वाली प्लेट है, इसको थोड़ी सी बड़ी रखिएगा। इस प्लेट को सब प्लेटों से थोड़ी सी बड़ी रखनी है, ऐसे। अब मैं आपको बेल्ट लगाना बता देती हूँ। पहले हमें बेल्ट रेडी करना है। यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमें यहाँ तक लगानी है। ऊपर से 2 इंच खाली छोड़ देंगे। यहाँ से सिलाई को वापस मोड़ लेंगे। फिर से वापस लाएंगे। इससे आगे हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हम 1 इंच पे सिलाई लगाएंगे, ऐसे। यहाँ से हमें सीधी सिलाई लगानी है। अब हम बेल्ट को इस तरीके से खोल लेंगे और यहाँ पे इस कपड़े को अलग-अलग रखेंगे, ऐसे। दोनों साइड मोड़ के सिलाई लगाएंगे। इस तरह से मैंने ये खाली जगह छोड़ दी है। अब हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। हमें सीधी साइड यहाँ पे निशान लगाना है। जैसे इस साइड ये नाड़ा डालने की जगह है, तो इस साइड से नाप लेंगे। बेल्ट हमें 4.5 इंच का रेडी करना है।
तो हम यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगाएंगे, 5, यहाँ पे भी 5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से हम पूरे बेल्ट में 5-5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब देखिए मैं आपको बेल्ट मोड़ना बता देती हूँ। यहाँ से नाड़ा डालने की जगह है तो हम यहाँ तक मोड़ेंगे, जहाँ तक ये निशान लगा हुआ है यहाँ तक हम कपड़े को मोड़ लेंगे, और यहाँ से हम 1/2 इंच अंदर की साइड मोड़ देंगे ऐसे। यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। अब हम इस लाइन के ऊपर कपड़े को मोड़ते जाएंगे, यहाँ से इस लाइन को पकड़ लेनी है और यहाँ से 1/2 इंच अंदर की साइड मोड़ना है और इस तरह से रख के यहाँ पे सिलाई लगानी है। इस तरह से पूरे बेल्ट के ऊपर जो लाइन लगी हुई है यहाँ से इस लाइन को पकड़े और यहाँ से अंदर की साइड 1/2 इंच मोड़ ले और इसके ऊपर सिलाई लगा ले। अब देखिए लास्ट में इस तरह से खुद ही मुड़ा हुआ आ जाएगा यहाँ से, तो इसके ऊपर आपको इस तरह से सिलाई लगा ले। तो देखिए इस तरह से मैंने ये बेल्ट रेडी कर दिया है। अब आपको बेल्ट को यहाँ से पकड़ना है फ्रंट साइड से और इसको डबल करके यहाँ पे एक कट लगा देना है। यहाँ पीछे की साइड जो 2 चुनट आती है बेल्ट में यहाँ पे आएगी और ये फ्रंट साइड। अब मैं आपको ये बेल्ट जोड़ना बता देती हूँ। अब हमारी सलवार ये सीधी साइड से रखी हुई है, इसकी उल्टी साइड अंदर है और ये बाहर की साइड सीधी है, तो आपको बेल्ट इस तरीके से रखना है। बेल्ट को आपको उल्टा कर लेना है, इस तरह से आप उल्टा बेल्ट रखेंगे इसके सामने, सलवार सीधी बेल्ट उल्टा। अब आपको एक पार्ट उठाना है बेल्ट का, इस तरह से दोनों नहीं उठाने, एक उठाना है, एक उठाना है और इस तरीके से रखना है ऐसे। यहाँ पे प्लेटों के बीच में जो आसन है, आसन से इस सिलाई को मिलाएंगे ऐसे, और यहाँ से देखेंगे कि सलवार भी सीधी है और बेल्ट भी सीधा है, तो आपको यहाँ से ऐसे पकड़ना है, यहाँ से आपको इस तरह से बैक लेके जाना है। थोड़ा सा कपड़ा बराबर करके यहाँ प्लेटों की जगह पे 2-4 प्लेट छोड़ देनी है और बाकी का कपड़ा आपको बराबर कर लेना है। इस तरह से बराबर करके यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे यहाँ से। अब आपको यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है, 2-4 प्लेट पीछे रह जाएगी। यहाँ पे सलवार का और ये बेल्ट का बीच का हिस्सा आ गया। अब दूसरी साइड की प्लेट और बेल्ट जॉइंट हो जाएगा यहाँ तक। अब यहाँ पे 2-4 प्लेटें बच गई है सेम बैक वाले तरीके से। अब देखिए हमें कपड़े को चेक करना है, जैसे बेल्ट का कट का हिस्सा पीछे का और जो सलवार का पीछे का आसन है ये चीज़ मिलाएंगे। यहाँ से हम कपड़ा देखेंगे, यहाँ से ये कपड़ा बराबर है, इसमें कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं है, तो हम यहाँ से एक प्लेट को निकाल लेंगे। ये एक सिलाई मैंने हटा ली है, एक प्लेट इन प्लेटों में से मैंने निकाल ली है। अब हम आसन के निशान को मिलाएंगे, ये देखिए बेल्ट और आसन का निशान मिलना चाहिए, एक्स्ट्रा कपड़ा हो गया है, इसकी हम पीछे की साइड प्लेट डाल देंगे। यहाँ पे बचे हुए कपड़े की प्लेट डाल देंगे। यहाँ पे मैंने बैक साइड में 2 प्लेट डाल दी है, तो 2 प्लेट हम इस साइड भी लगा देंगे। यहाँ पे देखिए बैक साइड में 4 प्लेट हो गई है।
एक प्लेट हम यहाँ से निकाल लेंगे तो ये कपड़ा बराबर हो गया। अब हम इसके ऊपर सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से मैंने ये सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब मैं आपको ये दिखा देती हूँ बेल्ट कैसे जॉइंट हो गया है। तो इस तरह से मैंने ये इस सलवार में बेल्ट जॉइंट कर दिया है। अब हम एक सिलाई इसके ऊपर लगा लेंगे ताकि ये जो चुन्नट है ये निकले ना और अच्छे से सेट हो जाएगी। तो एक सिलाई हम इसके ऊपर लगा लेंगे। इस तरह से हमें ऊपर की सिलाई लगा लेनी है। ऊपर की सिलाई लगाते समय ये कपड़ा हमें ऊपर की साइड रखना है। अब देखिए इतनी सलवार रेडी हो गई है। अब हम पोंचे के नीचे की सिलाई लगाएंगे। पोंचा बना के हमने रेडी कर लिया है। हम इसको उल्टी साइड से मोड़ेंगे ऐसे। मुझे इसमें 6 इंच का पोंचा रखना है तो हम इस कपड़े को उल्टी साइड से पलट लेंगे सलवार को और यहाँ पे इस सिलाई को बराबर रखेंगे दोनों साइड की। और यहाँ पे हमें पोंचे का निशान लगाना है। मैं यहाँ पे 6 इंच का निशान लगा लेती हूँ। 6 का पोंचा रेडी करना है तो हम यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा निशान लगा लेंगे 1.25 इंच पे और यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा। यहाँ पे मैंने 1.25 इंच पे निशान लगाया तो मैं यहाँ पे 1.75 इंच पे निशान लगाऊंगी। इस निशान को मिला लेंगे ऐसे तिरछा। ज़्यादा तिरछा यहाँ पे नहीं करना है, हमें यहाँ पे थोड़ा सा तिरछा करना है। तो यहाँ पे हम सिलाई लगा लेते हैं। अगर आपको पोंचे के नीचे की सिलाई का वीडियो देखना है तो एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। सलवार बनकर रेडी हो गई है। अब मैं आपको इसकी लेंथ दिखा देती हूँ, ये कितनी तैयार हुई है। देखिए 36 इंच की सलवार रेडी हो गई है। तो इस तरीके से आप भी अपनी सलवार को बना लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।